उत्तराखंड के हरिद्वार की रहने वाली सृष्टि गोस्वामी राष्ट्रीय बालिका दिवस यानी आज एक दिन के लिए उत्तराखंड राज्य की मुख्यमंत्री बनाई गई। सुनकर हैरानी जरूर हो रही होगी, आप सोच रहे होंगे कि ऐसा तो हमने फिल्म में देखा है, लेकिन यह कोई नायक फिल्म नहीं चल रही बल्कि यह बिल्कुल सत्य है। उत्तराखंड में बालिका विकास की पहल को मजबूत करने के लिए सृष्टि गोस्वामी को एक दिन के लिए चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड बनाया गया है। इस पद पर रहते हुए सृष्टि कई विभागों की समीक्षा करेंगी और एक दिन की मुख्यमंत्री रहते हुए विभागों को बालिका विकास से जुड़े मुद्दों पर भी सुझाव देंगी। हरिद्वार के दौलतपुर गांव की रहने वाली सृष्टि बीएससी एग्रीकल्चर की छात्रा है। आज के दिन वह राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही अलग अलग स्कीमों की समीक्षा करेगी और इन योजनाओं में अटल आयुष्मान स्कीम के साथ स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, पर्यटन विभाग की होम स्टे स्कीम और अन्य विकास कार्य भी शामिल है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में हर 3 साल पर एक बाल विधानसभा का गठन किया जाता है। इस बार यह विधानसभा 24 जनवरी यानी आज नेशनल डॉटर्स डे के मौके पर आयोजित की जा रही है और रविवार को आयोजित होने वाले बाल सभा सत्र में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सृष्टि को बाल विधानसभा का मुख्यमंत्री बनाएंगे। सृष्टि को उत्तराखंड राज्य के कई विभाग प्रेजेंटेशन देंगे और इनके आधार पर ही सृष्टि विभागों की समीक्षा करेंगी। सृष्टि इन विभागों में सुधार के लिए सुझाव भी दे सकती है। विभागों की समीक्षा करते हुए सृष्टि बालिकाओं से जुड़े मुद्दे पर भी अधिक ध्यान देगी। बालिका दिवस के मौके पर इस पहल के जरिए बालिका सशक्तिकरण की दिशा में भी एक बड़ा कदम उठाया गया है। अब आपको बताते हैं सृष्टि के बारे में। सृष्टि का जन्म बेहद ही साधारण परिवार में हुआ है। उनके पिता प्रवीण एक छोटी सी दुकान चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं और उनकी माँ एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है। बचपन से ही सृष्टि पढ़ाई के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करती आई है और हाल ही में उत्तराखंड में एक दिन की मुख्यमंत्री बनाए जाने से पहले वह साल 2018 में बाल सभा के कानून निर्माता के रूप में भी चुनी जा चुकी है। इसके अलावा साल 2019 में सृष्टि बालिकाओं के अंतर्राष्ट्रीय नेतृत्व के लिए थाईलैंड भी जा चुकी है। खुद को मिले इस मौके पर सृष्टि कहती है कि वे लोगों की भलाई के लिए काम करके यह साबित करना चाहती हैं कि युवा प्रशासनिक विभाग में और समाज में एक अहम भागीदारी निभा सकते हैं। उन्होंने इस मौके के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का आभार भी व्यक्त किया है। तो उत्तराखंड में सृष्टि गोस्वामी को एक दिन का मुख्यमंत्री।